दोस्तों आप सभी ने सूर्यवंशम फिल्म तो देखी ही होगी, जिसके हर किरदार को अभिनेताओं ने बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन आज भी इसकी गिनती काफी चर्चित फिल्मों में होती है। आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में राधा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सौंदर्या की, जिन्होंने अपने एक्टिंग को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री सौंदर्या कहाँ है, किस हालत में है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात से रूबरू करवाने वाले हैं। सौंदर्या साउथ की फिल्मों में काम करती थी। बता दें कि सूर्यवंशम फिल्म रिलीज होने के 5 साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी। जब उनकी मौत हुई तो वो प्रेग्नेंट थी। उनके परिवार को उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। ये बात 17 अप्रैल 2004 की है। सौंदर्या जब भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए करीमनगर जा रही थी, तो जिस प्लेन में वो जा रही थी उसका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। प्लेन में सौंदर्या के अलावा उनके भाई भी मौजूद थे। सौंदर्या की जब मौत हुई तो वह 31 साल की थी। उनका असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। सौंदर्या का जन्म 18 जुलाई 1972 को कर्नाटका में हुआ था। बाद में उन्होंने 2003 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीएस रघु से शादी की थी। सुनने में आता है कि जीएस रघु ने 2010 में अर्पिता नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। दोस्तों आपको सौंदर्या के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।